वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में ऑडिटिंग से रिलेटेड पेपर के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑडिटिंग से रिलेटेड एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग से क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या कीजिए, फीचर्स के बारे में क्या कीजिए बताइए, राइट। मैं आपको पूरा क्या करता हूँ, मैं फ्यूचर में कैसे ऑडिटिंग का क्लास लूंगा, कैसे वीडियोस अपलोड करूंगा, पूरा डेटा दूंगा। पहले ध्यान सुनिए, मैं क्या करूंगा, जो आपका ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग जो आपका पेपर है, आपका ऑनर्स पेपर है, अगर बात किया जाए पटना यूनिवर्सिटी, बात किया जाए आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, बीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, तो ये सब जो भी मैंने यूनिवर्सिटीज बताया या और भी जो यूनिवर्सिटीज है, ये बीकॉम पार्ट वन में आपका ऑनर्स पेपर होता है जिसका नाम क्या है, आपका ऑडिटिंग, राइट। तो ऑडिटिंग से रिलेटेड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, सारा ऑडिटिंग से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑडिटिंग, मैं उसका क्वेश्चन और साथ में आंसर क्या करूंगा अपलोड करते चला जाऊंगा। हर वीडियो जो मेरा अपलोड होगा उसमें आपका क्वेश्चन आपका क्या होगा, अपलोड किया जाएगा, क्वेश्चन और साथ में क्या उसका अपलोड किया जाएगा, आंसर। तो क्या करेंगे आप, वीडियो को क्या करेंगे, सीरियल वे में देखते हुए रहेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग से क्या समझते हैं और उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, ये क्वेश्चन बन गया और इसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स क्या करेंगे बताएंगे, राइट। इसी तरीका से फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, थर्ड, फोर्थ, यानी जनरली आपका 40 से 45 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस के आसपास क्या होता है ऑडिटिंग्स में बनता है, उस सारे क्वेश्चंस का आपका क्वेश्चंस और आंसर्स क्या किए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे, राइट। तो आज पहला क्लास है किसका, आपका ऑडिटिंग का। तो हम लोग जानेंगे कि ऑडिटिंग किसे कहते हैं और ऑडिटिंग का क्या जानेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो देखिए सबसे पहले बोलता है क्या है, क्वेश्चंस क्या लिख लीजिए, क्वेश्चंस बोलता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले ध्यान सुनिए, ऑडिटिंग किसे कहते हैं, ऑडिटिंग का हिंदी होता है अंकेक्षण, क्या होता है अंकेक्षण, ऑडिटिंग होता है क्या, सुनिए, बोलता है कि ऑडिटिंग एक आपका प्रोसेस है, ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग एक प्रोसेस है या एग्जामिन है, परीक्षण है, राइट। तो ऑडिटिंग एक प्रोसेस या एग्जामिन है जिसकी सहायता से जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया है, जैसे जर्नल, लेजर, ट्राई बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, मतलब जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें किसी तरह का एरर्स हुआ है, कोई फ्रॉड्स हुआ है, कोई मिस्टेक्स हुआ है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, या उसमें भी कुछ गलती है, तो ये सब को हम लोग एग्जामिन करते हैं, इसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। Once more. ऑडिटिंग क्या है, आपका क्या है, एक एग्जामिन है, एक तरह का प्रोसेस है जिसकी सहायता से जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो आपका कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, या और भी जो भी आपका अकाउंट है आपका, वो सही है या गलत, उसमें किसी तरह का मिस्टेक्स, फ्रॉड्स, एरर्स, या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया गया या नहीं, इसके बारे में आपका पता लगाना ही क्या कहलाता है, आपका ऑडिटिंग। मतलब ऑडिटिंग की सहायता से हम लोग पता कर लेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरा सही है या उसमें किसी तरह का आपका गलत है, या धोखाधड़ी हुआ, मिस्टेक्स हुआ, फ्रॉड्स हुआ, ये सब आसानी से क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि ऑडिटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका कि ऑडिटिंग से क्या समझते हैं और इसका क्या है आपका करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, क्या बताएंगे, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए
आपका जो एग्जामिनर है आपने क्या किया, आंसर शीट लिख के दे दिया, राइट। तो आंसर शीट लिख के दिया तो आंसर शीट से वो आपका एग्जामिनर जज करेगा कि आपको कितना नंबर दिया जाए। देखिए आप मेल है, फीमेल है, आप मतलब गोरे है, सांवले है, आपका है ज्यादा है, कम है, एवरेज है, इससे मतलब नहीं होता एग्जामिनर को। वो आंसर शीट देख के क्या करेगा, आपको मार्क्स क्या करेगा देगा। इसलिए अभी से ही आप लोग राइटिंग स्किल क्या करेंगे, साथ बनाएंगे, जितना ज्यादा हो सके क्या करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि बस सुन लेंगे और लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनेशन में तो लिखना है, तो आप लिखने का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्या करेंगे लिखेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन में 5 से 6 पेज क्या करेंगे लिखेंगे, तब आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अगर लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 3 से 3.5 क्वेश्चन लिखते लिखते क्या हो जाएगा, आपका हाथ पेन करने लगेगा, ऐसे ऐसे हाथ को झाड़ने लगेंगे, क्योंकि आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा ना हैंड में। तो आप क्या करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटा लिखना होता है, बात समझे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिखने का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट। और मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो आपका काम क्या है, अच्छे से सारे क्वेश्चन को लिखना, लिखने का प्रैक्टिस करते रहना, राइट। तो देखिए ऑडिटिंग क्या हुआ, मीनिंग मैंने बताया। अब सबसे पहले लिखेंगे कैसे, पहले मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसका डिफिनेशन। हिंदी जो मीडियम है हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में लिखेगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग क्या लिखा है ऑडिटिंग का, बोलता क्या है आपका, ऑडिट इज द एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑडिटर। बोलता क्या है कि आपका ऑडिट क्या है, एक तरह का क्या है, एग्जामिनेशन है, परीक्षण है, या क्या बोलता है, इंस्पेक्शन है, जांच है। किसका जांच होगा आपका, वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया है, वही जर्नल, लेजर, ट्राई बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, वही सबका, ठीक है। फॉलोड बाय फिजिकल चेकिंग ऑफ इन्वेंट्री, जो आपका स्टॉक्स वगैरह है, गुड्स वगैरह है, उसको फिजिकली भी चेक किया जाएगा, मतलब वो उतना है कि नहीं। ऐसे सपोज दैट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख का गुड्स शो कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो 1 लाख का गुड्स फिजिकली भी तो होना चाहिए बिजनेस में। ऐसा तो नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख का शो कर रहा है और फिजिकली जब वेरिफिकेशन हुआ तो पता लगा 80,000 का है, तो 20,000 शॉर्ट मार रहा है, अरे गलती हुआ है, राइट। तो फिजिकली जो गुड्स है या जो असेट्स है उसका भी वेरिफिकेशन वैल्यूएशन किया जाता है ऑडिटिंग के अंतर्गत, राइट। उसके बाद बोलता है टू मेक श्योर दैट द आपका ऑल डिपार्टमेंट्स आर फ्लोइंग डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। बोलता है जितने भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंट्स है, जैसे परचेस डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका आपका एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, लीगल डिपार्टमेंट हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट का जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड किया गया, यानी सभी का डॉक्यूमेंट्स वाउचर आपका अवेलेबल है कि नहीं, इसका भी जांच किया जाएगा। किसके अंतर्गत, ऑडिटिंग के अंतर्गत। इट इज डन टू असर्टन दैट एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब क्यों किया जाता है, इसलिए कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तहत उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, जांच करेंगे कि वो ट्रूथ आपका फेयर आपका करेक्ट है या नहीं, राइट। तो ये क्या था आपका मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग पहले लिख देंगे, राइट। और उसके बाद कम से कम जो आपका डिफिनेशन दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट आपका ऑथर के द्वारा, राइट, उसमें कम से कम क्या करेंगे लिखेंगे, कम से कम 1 या 2 ऑथर का आप क्या करेंगे डिफिनेशन को भी दिखाएंगे, सबसे पहले मीनिंग, राइट, और उसके बाद क्या दिखाएंगे उसका, आप क्या दिखाएंगे, आप उसका जो डिफिनेशन दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा वो भी क्या करेंगे आप बताएंगे, राइट। देखिए दिखा क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है डिफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, देखिए क्या लिखा है, An audit is an examination. सब जगह examination या process ही आएगा। Auditing क्या है, एक examination है या क्या है, एक process है। यहाँ पर क्या है, examinations of such records to establish their रिलायबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ड्रॉन फ्रॉम देम। मतलब जो भी आपका आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया, ड्रॉन किया गया, लिखा गया है, उसकी शुद्धता का जांच करना है क्या कहलाता है आपका ऑडिटिंग। और किसके द्वारा दिया गया है, W.H. Hansen के द्वारा, ये ऑथर है। और ध्यान से किसके द्वारा कौन सा डिफिनेशन दिया गया है, ऑथर का नाम लिखेंगे तो मार्क्स क्या होगा आपका ज्यादा मिलेगा, राइट। उसके बाद क्या देखिए दूसरा आपका डिफिनेशन भी है, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स। यानी ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक आपका क्या है, एग्जामिनेशन है, परीक्षण है, जांच है, किसका, बुक्स का। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ
अब बिजनेस, और जो आपका बिजनेस में जो भी आपका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर अ सर्टन ऑफ क्या बोलते हैं वेरीफाई एंड टू द रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट्स ऑफ रिगार्डिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड द रिजल्ट देयर ऑफ। कहने का मतलब है वही बात आ रहा है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किया गया है उसके सारे आपका एरर्स फ्रॉड मिस्टेक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया नहीं, उसके द्वारा जो जांच किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑडिटिंग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मीनिंग राइट, उसके बाद कम से कम एक या दो ऑथर द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया वो लिख देंगे। देखिए ये जो डिफिनेशन किसके दिया गया है मॉन्टगोमरी के द्वारा, मॉन्टगोमरी के द्वारा ठीक है जी। तो ये हो गया, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, मीनिंग बताना है किसका ऑडिटिंग का और साथ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी तो मैंने सिर्फ क्या बताया मीनिंग और उसका डिफिनेशन, अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन उससे पहले कुछ और जान ले ऑडिटिंग के बारे में और जान ले। देखिए ऑडिटिंग का ऑरिजिन कब हुआ ये भी तो मुद्दा है, ऑडिटिंग कब से स्टार्ट हुआ। देखिए ऐसा बोला जाता है कि ऑडिटिंग कब स्टार्ट किया गया इसके बारे में सही पुख्ता किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन बोला गया है कि रामायण और महाभारत के समय से ऑडिटिंग का ऑरिजिन हो चुका था, यानी रामायण और महाभारत के समय से ऑडिटिंग का आपका प्रारंभ हो चुका था। आपका रामायण महाभारत के समय जो राजकोष होता था तो राजकोष में पैसा कहां कहां आपका क्या हुआ एक्सपेंसेस किया गया, राजकोष में पैसा कहां कहां से आया इसका भी जांच होता था। जो राजकोष होता है ना राजकोषीय है ना, तो राजकोष होता था तो पैसा किन किन चीजों पे खर्च किया गया राजकोष से निकाल के, और राजकोष में पैसा कहां कहां से आया रामायण महाभारत के काल में उसमें भी जांच होता था। तो एक तरह से क्या हुआ अभी तो ऑडिटिंग हुआ कि किन किन चीजों पे खर्च किया कहां कहां से पैसा आया इसके ट्रूथनेस का जांच करना है क्या कहलाता था ऑडिटिंग। तो बोला जाता है कि आपका रामायण और महाभारत के समय से आपका ऑडिटिंग का ऑरिजिन हो चुका था राइट। और उसके बाद जब आपका 1494 ईस्वी में 1494 में जब डबल इंट्री सिस्टम का आविष्कार किया गया, इसका आविष्कार किया गया आपका डबल इंट्री सिस्टम का राइट, किसका आविष्कार किया गया डबल इंट्री सिस्टम का आविष्कार किया गया 1494 ईस्वी में लुकस पचौली के द्वारा, किसके द्वारा लुकस पचौली के द्वारा 1494 ईस्वी में जब डबल इंट्री सिस्टम का आविष्कार किया गया उसके बाद सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक सिस्टमैटिक ढंग से क्या हुआ रिकॉर्ड होने लगा राइट। तो उसके बाद 1494 के बाद ऑडिटिंग का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो गया बढ़ गया। और देखिए और भी अगर थोड़ा देखा जाए तो बोलता है जो ऑडिट है ना वो लैटिन लैंग्वेज आपका जो लैटिन भाषा है आपका क्या बोलता है ऑडियर, ऑडियर से क्या हुआ है आया है ऑडियर से ही क्या बना है आपका ऑडिटिंग। और ऑडियर का जो मतलब होता है टू हेयर, मतलब क्या होता है सुनना, ध्यान सुनिए। पहले जो होता था ऑडिटिंग का काम कैसे होता था, जो आपका अकाउंटेंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता था वो क्या करता था बोलता था, क्या करता था बोलता था जो भी ट्रांजेक्शन उसको क्या करता था बोलता था। और जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर है वो एक तरह से मान लीजिए जज है, क्या है जज, न्यायाधीश की तरह देखा जाता था। तो ऑडिटर क्या करता था न्यायाधीश के जैसा वो जो ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट के द्वारा बोला जाता था वो सुनता था, क्या करता था सुनता था। आपका अकाउंटेंट बोलता था ऑडिटर क्या करता था सुनता था और सुन के क्या करता था जजमेंट देता था कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है गलत है या आपका ऑडिटर को किसी तरह का कोई क्लारिफिकेशन चाहिए तो अकाउंटेंट से क्या करता था लेता था। तो उस समय क्या होता था सुनकर क्या करता था आपका ऑडिटर आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किया गया है उसके ट्रूथनेस के बारे में पता करता था कि कोई गलती है सही है या जो भी है राइट। तो इसलिए बोलता क्या है कि ऑडिटिंग क्या है आपका ऑडियर वर्ड से बना है और उसका मतलब क्या होता है सुनना, क्योंकि पहले जो था आपका सुन के ही आपका जो ऑडिटर है जजमेंट करता था ठीक है। तो ये क्या था पूरा इंटायर इंफॉर्मेशन था राइट, किसका था आपका ऑडिटिंग। अब इसके बारे में इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं फीचर्स। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहला आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग ऑडिटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या करेंगे जानेंगे तो करना राइट। तो अब हम क्या करेंगे आपको आपका जो ऑडिटिंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या करेंगे डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मैंने पॉइंट्स लिया है आपका ऑडिटिंग बीके मेहता का जो बुक है
एस बी पीडी पब्लिकेशन का उससे क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंट्स लिया हूँ, और जो आपका बीके में आता है उसी से क्या करूंगा पूरा मैं आपका ऑडिटिंग का सिलेबस क्या करूंगा कंप्लीट करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसी बीके मेहता का जो बुक है उससे क्या करूंगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा राइट। तो देखिये सबसे पहला बोलता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग में कि देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, आप ऑडिटिंग कहाँ करेंगे, ऑडिटिंग करने के लिए कोई ना कोई तो आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, चाहे आपका सोल ट्रेड का बिजनेस हो, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, या कोई कंपनीज हो, या और भी आपका जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्कूल कॉलेजेस मंदिर मस्जिद आपका मान लेते हैं क्लब वगैरह अनाथालय विधवा आश्रम यानी जो भी आपका है इसका भी तो ऑडिटिंग होता है राइट। तो कहने का मतलब है ऑडिटिंग होने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। हाँ ये बात सही है कि इन द केस ऑफ सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में ऑडिटिंग करवाना कंपल्सरी होता नहीं है, आप वॉलंटरी होता है इन द केस ऑफ सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में, चाहे तो करवाए ना चाहे तो ना करवाए राइट। लेकिन कंपनी के केस में ऑडिटिंग करवाना क्या होता है कंपल्सर होता है, अनिवार्य होता है, आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन ऑडिटिंग करवाएंगे चाहे सोल ट्रेड पार्टनरशिप या कंपनीज या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो अच्छा माना जाता है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है पहला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑडिटिंग का ये होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन का होना क्या होता है अति आवश्यक होता है। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको जो भी पॉइंट्स है ना इसको लिखने का प्रैक्टिस करना है। अब सवाल उठता है लिखेंगे कैसे, पहले थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करें राइट, उसके बाद थोड़ा बुक्स का लैंग्वेज क्या करें लिखें राइट, उसके बाद अगर और डीपली जाना चाहते हैं तो गूगल वगैरह पे सारा आपका पॉइंट्स का डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया गया है लिखा गया है, वहां से जो आपको सिंपल लैंग्वेज लिखे सिंपल लैंग्वेज जो मिले उसको क्या करें आपका सर्च करें और फिर क्या करें नोट्स बनाएं। बात समझे, मतलब जितना अच्छा से आप नोट्स बनाएंगे जितना अच्छा से लिखने का कोशिश करेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जामिनर है वो आपका आंसर शीट देख के आपको जज करेगा कि आपको कितना मार्क्स दिया जाए, इसलिए लिखने का क्या करें प्रैक्टिस करें ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है एन ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जो ऑडिटर है ना वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जिसको हम लोग ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, उसको ऐसा नहीं कि आप बाय फोर्स कर रहे हैं या गलत को बोल रहे हैं सही कर दो, ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट पर्सन। जनरली ऑडिटर बिजनेस का क्या होता है बाहर का होता है, ऑडिटर क्या होता है बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस का बाहर का, इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र होता है, उसको किसी तरह का कोई आपका डर लगता नहीं है, गलत है तो गलत बोलेगा, गलती अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ है कोई गवर्न वगैरह हुआ है कोई एरर्स फॉल्स मिस्टेक्स है उसको क्या करेगा वो बताएगा। तो बोलता है जो ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है स्वतंत्र पर्सन होता है, उसको उस पर किसी तरह का कोई आपका क्या बोलता है बाय फोर्स ये सब चलने वाला नहीं है। तो ऑडिटिंग का ये भी एक आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स है कि जो ऑडिटर है कौन सा पर्सन होता है आपका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र व्यक्ति होता है जी राइट। तो दूसरा फीचर्स हो गया। तीसरा क्या बोलता है टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स। ऑडिटिंग के तहत क्या होता है, ऑडिटिंग के तहत कि जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया उसका ट्रूथनेस सत्यता कितना है, आपका कितना सही बना है गलत तो नहीं है, ये सब का आपका पता किया जाता है। ऑडिटिंग का मेन उद्देश्य तो ही है ट्रूथनेस और फेयरनेस आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका पता लगाना, ये भी एक फीचर्स है। उसके बाद क्या बोलता है यूज ऑफ वाउचर्स, ध्यान से ऑडिटिंग करने के लिए जो वाउचर्स होता है उसका यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, आप भी कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेस करते होंगे तो आपको भी क्या होता होगा एक वाउचर्स मिलता होगा। वाउचर्स एक प्रकार का डॉक्यूमेंट पेपर है जो ट्रांजेक्शंस का क्या करता है प्रूफ देता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखाई पड़ रहा है देखिए यहाँ पे आपका कुछ वाउचर्स का क्या करूंगा मैं इधर दिखा रहा हूँ राइट। तो आपका क्या हुआ वाउचर्स समझ गए, एक डॉक्यूमेंट पेपर होता है जो बताता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में क्या करता है वो बताता है। तो जितने भी ऑडिटिंग का काम है ना जनरली वो वाउचर्स पे ही आपका डिपेंड करता है। आगे आपका एक क्वेश्चन बताएंगे कि वाउचिंग इज अ बैकबोन of auditing, वाउचिंग इज ए बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी वाउचिंग जो है आपका ऑडिटिंग का क्या है रीड की हड्डी है, कैसे है बैकबोन कैसे है सब बताऊंगा राइट। तो वाउचर्स आप समझ गए, तो ऑडिटिंग करने के लिए वाउचर्स का यूज किया जाता है, अगर वाउचर्स है तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए और अगर ट्रांजेक्शन है तो वाउचर होना चाहिए, बात समझ गए। उसके बाद क्या बोलते हैं पांचवा पॉइंट
टू गेट नेसेसरी क्लासिफिकेशन। अगर ऑडिटर को लगे कि वाउचर्स वगैरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह देख रहा है, उसको और भी कोई क्लासिफिकेशन चाहिए, तो जो आपका इम्प्लॉयज है उसको तलब कर सकता है, उससे आपका क्लासिफिकेशन ले सकता है, स्पष्टीकरण पूछ सकता है कि ये आपका ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो इतना अमाउंट लिखा कहाँ से लिखा, मतलब तमाम तरह का क्लासिफिकेशन लिया जा सकता है ऑडिटिंग के अंतर्गत। ये भी ऑडिटिंग का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इकोनॉमिक पोजीशंस। आपका देखिए वेरिफिकेशन सत्यापन होता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना या बैलेंस शीट बना, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट से क्या पता करते हैं, इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एसेट्स से तो कितने का, लायबिलिटीज से कितने का, लोन कितने का, रिजर्व कितने का, कैपिटल कितने का, ये सब का वेरिफिकेशन भी ऑडिटिंग की सहायता से हो जाता है। तो ऑडिटिंग का क्या हुआ, ये भी एक फीचर्स है, राइट। उसके बाद क्या बोलता है, टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। आपका ऑडिटिंग के सहायता से ये पता करता है कि जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया गया कि नहीं। ये ऐसा तो नहीं है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको ब्रेक कर दिया गया, कैश अकाउंट डेबिट करना था कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया, आपका कैश रखना था बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको आपका क्या किया गया, फॉलो हुआ या नहीं, ये आपका ऑडिटिंग के सहायता से पता चल जाता है। तो ऑडिटिंग का ये भी एक फीचर्स है कि प्रिंसिपल्स जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अप्लाई किया गया है वो आपका सही किया गया है या नहीं, ये भी उसका एक फीचर्स है। अब नंबर 8 में क्या बोलता है, सर्टन पीरियड। ऑडिटिंग जो होता है एक निश्चित अवधि में किया जाता है, ऑडिटिंग एक निश्चित अवधि में किया जाता है। अगर कंपनी का ले ले तो जनरली वहां पे होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कोई भी क्या होता है बिजनेस आपका कैलेंडर ईयर में भी करता है, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो सर्टन पीरियड का ही एक निश्चित अवधि का ही क्या होता है ऑडिटिंग होता है, चाहे क्वार्टरली हो सकता है 3 महीना, हाफयरली 6 महीना, एनुअली साल भर, तो आपका क्या होगा सर्टन पीरियड का ऑडिटिंग किया जाता है। तो ये भी ऑडिटिंग का एक फीचर्स है कि ऑडिटिंग में एक सर्टन पीरियड का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग किया जाता है, जो कि ऑडिटिंग का क्या एक फीचर्स है, राइट। उसके बाद बोलता है टैक्टफुली। ऑडिटिंग करना क्या है, एक चतुराई का काम है। ऑडिटर क्या करता है, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करता है। आप घर में खाना बनते देखे होंगे, वहां पे जो आपका जो चावल है वो आपका भात बना कि नहीं, तो क्या करते हैं घर के महिला लोग हाथ पे देख लेते हैं, 4-5 दाना निकाल के, अगर यहाँ पे सिग्नल मिल गया कि आपका भात पका हुआ है, अरे पूरा आपका जो पतीला है ना वो डेक्ची है उसमें भात पका हुआ है, और यहाँ पर अगर सिग्नल मिला नहीं पका हुआ है, यानी आप पतीला डेक्ची में पका हुआ नहीं है, तो ऑडिटिंग करना भी क्या टैक्ट है, एक आपका ट्रिक है जिसके तहत ऑडिटिंग का काम किया जाता है। तो ऑडिटिंग आपका टैक्टफुली होता है, जो भी एक तरह का क्या है ऑडिटिंग का फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। और उसके बाद जब ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाता है तो ऑडिटर्स द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि मैंने आपके बिजनेस में या कंपनीज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने क्या किया, चेक किया, मेरे अनुसार सब कुछ क्या है, सही है, गलत रहेगा तो गलत क्या मेंशन कर देगा, कितना शॉर्टेज है ना, तो आपका क्या हुआ जो रिपोर्ट आपका ऑडिटर द्वारा तैयार करके बिजनेस के ऑनर को दिया जाता है उसी को बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। आगे आपको इसका पढ़ना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का फॉर्मेट वगैरह सब पढ़ना है। अभी तो पार्टी क्या हुआ है, शुरू हुआ है, अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे, 40 से 45-50 क्वेश्चंस बताएंगे, इसमें पूरा ऑडिटिंग क्या हो जाएगा आपका कवर हो जाएगा, बस आपका एक ही काम है लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट वगैरह तैयार होता है ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग का काम कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। ये क्या था आपका फीचर्स था, इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। मान के चलते इसका क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपका क्या काम है, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूँ सबका क्या करें, नोट्स बनाते चले जाएं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने पॉइंट्स लिया है ये आपका ऑडिटिंग बीके मेहता का जो बुक है SBPD पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। तो आज का वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।